अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी वसीम अल्ताफ साहब, बहुत शुक्रिया सर क्या जा पाए, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच जी। सर सबसे पहले तो वीकेंड कैसा जा रहा है आपका? हमारे यहाँ तो वीकेंड आपको पता है और खबरें आनी शुरू हो जाती हैं वीकेंड पे, कोई अच्छी खबर सुनने को नहीं मिलती वीकेंड पे भी, वीकेंड के अलावा भी नहीं मिलती जी। अब यही देख लीजिए जो हम आज बात करने जा रहे हैं कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने जो है वो एक बार फिर कहा है कि वो सैंक्शंस लगा देंगे चाइना की उन कंपनीज या उन फर्म्स पे जो पाकिस्तान को सप्लाई कर रहे हैं। मैंने सोचा चलो कुछ तो वीकेंड में अच्छा होना चाहिए, लेकिन हर बार इसी तरह की न्यूज आती है। इस खबर को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए जी, बात ये है कि एक इंटरनेशनल एक रिजीम है, एक एग्रीमेंट है MTCR। अच्छा, अब मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, और चाइना जो है वो सिग्नेटरी है इसका, यानी चाइना ने इस पे साइन किए हुए हैं कि वो जो मिसाइल्स की जो प्रोलिफरेशन है और जो उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी की जो एक्सपोर्ट है वो उसको कंट्रोल करेगा, उसको रेगुलेट करेगा। और उस जो एग्रीमेंट पे जो उसने साइन किए हुए हैं वो उनकी एडहेरेंस करेगा, उन पे अमल करेगा। चाइना ने ऐसा नहीं किया। चाइना की कुछ कंपनीज हैं, तीन कंपनीज हैं चाइना की, और एक चाइनीज इंडिविजुअल है जो पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी फराहम करते रहे, और उसके अलावा एक बेलारूस की भी एक कंपनी है, और वो नाम तो ये है कि ट्रैक्टर बनाते हैं वो, लेकिन वो भी टेक्नोलॉजी फराहम करते रहे। फिर एक पाकिस्तान की अपनी कंपनी है इनोवेटिव इक्विपमेंट, वो भी प्रोवाइड करती रही है। तो इन सब पे पाबंदी लगा दी है अमेरिका ने कि ये एक गैर कानूनी काम करते रहे हैं, और उसके नतीजे में अब इन तमाम कंपनीज के जो अमेरिका में एसेट्स हैं वो सारे ब्लॉक कर दिए गए हैं। यानी इनकी जो भी वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी है, मूवेबल या इमूवेबल, उस पे अब अमेरिका ने एक तरह का एक ब्लॉकेड लगा दिया है। अगर कोई पैसे हैं मिसाल के तौर पे किसी के, तो ये अपने पैसे वहाँ के बैंकों से नहीं निकलवा सकते। ये चाइनीज तीन कंपनियाँ, एक इंडिविजुअल और एक बेलारूस की कंपनी और एक पाकिस्तान की कंपनी। जी आरजू। लेकिन सर पाकिस्तान अब क्या करेगा इस सिचुएशन में, इसलिए कि हम तो बहुत कुछ जो है वो चाइना के भरोसे बैठे होते हैं। देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान ने अब क्या करना है। अब ये पहले भी काफ़ी अरसा ब्लैक मार्केट से इक्विपमेंट खरीदते रहे, टेक्नोलॉजी लेते रहे और भारी कीमत देते रहे उसकी। बहुत सी चीज़ें हम बाहर से नहीं मंगवा सकते थे। हमारा जो पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें बहुत सा ऐसा इक्विपमेंट है जो हमने ब्लैक मार्केट से खरीदा, और वो गैर कानूनी तौर पे खरीदा गया, गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान, मतलब एक तरह से वो लाया गया छुपा के, और फिर हमने पूरा ये प्रोग्राम शुरू किया। तो अब जो है ना, अब पहले वो मैकेनिज्म्स इतने वो स्ट्रिक्ट होते नहीं थे, अब वो हो चुके हैं। अब दुनिया की नज़र है तमाम मुल्कों के ऊपर, बड़ी ताकतों की नज़र है, हर कोई जानता है कि कौन क्या कर रहा है। हम तो समझते हैं ना कि हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम है वो हमने पहाड़ों में छुपाया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया को सब पता है कहाँ से इक्विपमेंट खरीदा जा रहा है, कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। प्राइमरीली हमने एक शाहीन 3 मिसाइल बनाया, 2015 में कमीशन किया गया, और उसकी जो रेंज है वो 2750 किलोमीटर है। यानी अगर पाकिस्तान से उस मिसाइल को लॉन्च किया जाए तो वो बर्मा और थाईलैंड के कुछ हिस्सों तक जा सकता है, वो रूस तक जा सकता है, वो पूरा मिडिल ईस्ट एक तरह से कवर करता है, आधा टर्की कवर करता है, और
ये अफ्रीका का जो मशरकी हिस्सा है उसको भी कवर करता है और बहर हिंद को भी कवर करता है और पूरा इंडिया और निकोबार और अंडमान जो आइलैंड्स हैं वहां तक उसकी रेंज है। 2750 किलोमीटर के रेडियस में वो हिट कर सकता है जाके। और ये जो है फिर एक तो ये शाहीन थ्री और फिर अभी 2017 में एक और हमने मिसाइल अबाबील एक और अबाबील सिस्टम है एक मिसाइल्स का उसको भी हमने अभी कमीशन किया है। वो जो है 2200 किलोमीटर तक उसकी रेंज है और ये दोनों जो हैं ये मीडियम रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं। तो ये जो है ना दोनों, अब इससे फिर अमेरिका को तश्वीश हुई और उन्होंने कहा जी कि ये तो अब काफ़ी ज़्यादा अपनी हदूद फैलांगते चले जा रहे हैं और इन पे कुछ जो इनको सप्लाई कर रहा है ये बनाने में उस पे पाबंदी लगाई जाए। तो फिर उन्होंने ये पाबंदी लगाई है क्योंकि ये देखे ना इसका इसमें ये है कि एक तो प्रोलिफरेशन ना हो, उसके बाद फिर गलत हाथों में ना चले जाएं, फिर खित्ते में आपने बैलेंस ऑफ पावर भी रखना है, फिर आपने एक वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन की जो एक दौड़ है उसको भी डिस्करेज करना है। तो ये इसलिए इन्होंने फिर वो सैंक्शंस लगा दी हैं उन कंपनीज पे जिन्होंने कि पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में जो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होती थी या मुख्तलिफ इक्विपमेंट इस्तेमाल होता था वो प्रोवाइड किए। जी आरज़ू, बिल्कुल ऐसा है। लेकिन सर पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है कि कभी चीफ मिनिस्टर को चाय पिलाने पे ले जाया जा रहा है तो कभी क्या चल रहा है, आपको लगता है कि जो सब पॉलिसी मेकर्स हैं जिसमें कि पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं और ऑफ कोर्स एस्टेब्लिशमेंट भी, क्या वो पाकिस्तान के जो मेन इश्यूज हैं जिसमें कि इकोनॉमी है, कहीं से IMF जो है वो इन्हें $7 बिलियन नहीं दे रहा है, साथ इन्होंने जो है वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड UK से $600 मिलियन जो है उसका एग्रीमेंट कर लिया है, जो इस वक्त हालत है मुल्क की, आपको लग रहा है कि कोई तरीके की कोई पॉलिसी बना रहे हैं, कुछ सीरियस है ये मेन इश्यूज को लेकर, ये बस पॉलिटिशियंस आपस में लड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है, बल्कि शॉर्ट टर्म भी कोई नहीं है। अब आप ये देखिए कि अब सुनने में ये आ रहा है कि कल एक अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो लाई जा रही है पार्लियामेंट में और उसको पास किया जा रहा है, लेकिन वो है क्या ये पता ही नहीं है किसी को। यानी आप ये देखिए कि इंडिया में वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट 2024 का एक बिल जो है वो पास पेश हुआ है और वो उसको थॉरली जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, ऑपोजिशन डिस्कस कर रही है, ट्रेजरी बेंचेस में डिस्कस हो रहा है, उसके साथ जितने मुतलका इदारे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, स्टैंडिंग कमिटीज में डिस्कस हो रहा है और फिर उसके बाद जाके वो बिल जो है वो पास होगा। यानी एक चीज को बड़ा थॉरली डिस्कस किया जा रहा है। अब यहाँ पे हाल ये है कि कल एक अमेंडमेंट हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन में और वो अमेंडमेंट क्या है, कहा ये जा रहा है कि इवन हमारी जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं उनको भी नहीं पता कि वो है क्या। और आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी कि पार्लिमानी पार्टी को आज एतमाद में लिया जाएगा कि जी हम करने क्या जा रहे हैं, एक दिन पहले, चंद घंटे पहले। इसका मतलब है कहीं और से बनकर आया है, कहीं और से बनकर आया है। और फिर ये अब बैठ के वहां पे इन्होंने सारे इलाने, इन्होंने करना क्या है इन्होंने? तो यहाँ पे देखे ना, अब कोई सच, कोई एक बाकायदा जो एक SOPs होते हैं और एक पूरा निज़ाम जब आप चलाते हैं, रियासती निज़ाम चलाते हैं, तो उसके क्या यानी रूल्स ऑफ बिजनेस क्या हैं, तरीक़ेकार क्या हैं, वो सारे अब पीछे रह गए हैं। अब तो चंद लोग हैं इस वक्त, मेरा ख्याल है कुछ 4-5 लोग हैं इस वक्त, उन 4-5 में से भी 2 जो हैं वो बहुत ताकतवर हैं,
वो बाकी दो तीन को बता देती हैं जी कि ये करना है, और इस तरह वो चार पांच लोगों में बात घूमती है और वो कानून बन जाता है। और 25 करोड़ लोगों को पता भी नहीं होता कि यार ये क्या हो रहा है और इसके असरात क्या होंगे, इसके नताइज क्या होंगे और कल क्या होगा, ये तो पता ही नहीं होता किसी को। सर ये तो उनको भी नहीं पता जो वो बिल लेकर आ रहे हैं या जो बिल पेश कर रहे हैं, आपके ख्याल से उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं या उनसे क्या चीज करवाई जा रही है? हो सकता है कि शहबाज शरीफ और जरदारी को पता हो सकता है, इसके अलावा जो है मुझे नहीं पता कि किसी को पता है या नहीं। लेकिन सर ये बहुत ही एक नॉन सीरियस बिहेवियर नहीं लगता आपको कि कोई दूसरी कंट्री के जो हेड ऑफ स्टेट्स होते हैं वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है? भारत का हम अक्सर सुनते हैं, कभी किसी कंट्री के कोई जा रहा है, कभी यूरोपियन कंट्री के कोई हेड ऑफ स्टेट जो है वो भारत विजिट कर रहे हैं, कभी अमेरिका के जा रहे हैं, कभी कैनेडा के जा रहे हैं, कभी कहीं के, हमारे यहाँ कोई नहीं आता। उसकी क्या वजह आपको लगती है, क्या सिक्योरिटी के अलावा, सिक्योरिटी रीजंस के अलावा? उसकी वजह ये है जी बुनियादी तौर पे कि आपकी जो पॉलिसीज रही हैं पिछले 77 साल में, उनका अभी इस वक्त क्लाइमैक्स ये है कि आप पूरी दुनिया में इररेलेवेंट हो चुके हैं। आप इररेलेवेंट हो चुके हैं, आपकी कोई रेलेवेंस नहीं है इस वक्त, किसी को आपसे कोई गरज नहीं है, दुनिया ने आपको बिल्कुल आपके हाल पे छोड़ दिया है। तो अब आप कभी उधर देखते हैं, कभी इधर देखते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी आपकी कोई पॉलिसी नहीं है, आपने 77 सालों में जो कुछ बोया है वो आप काट रहे हैं। आप तो चूंकि आप इररेलेवेंट हो गए हैं, तो देखे ना आप के मुल्क में इसलिए कोई आएगा कि आपकी कोई रेलेवेंस होगी, रेलेवेंस आपकी कोई ट्रेड के हवाले से होगी, कोई कॉमर्स के हवाले से होगी, कोई आपकी रेलेवेंस जो है वो होगी आपकी मिसाल के तौर पे कि आपके साथ कोई और मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स किए जाएं, तो फिर कोई रेलेवेंस बनती है आपकी। मगर सर हम तो ये, सॉरी आपकी बात कटी, लेकिन हम तो कहते हैं कि हम जी रीजन में ऐसी जगह पर हैं जहां सारी दुनिया को हमारी जरूरत है। वो हम कहते हैं ना, उनसे भी पूछे ना जाके, वो फिर आपको बताएंगे। देखे ना आपके जो बड़े करीबी तरीन थे, सऊदीया था, यानी आप उनको देख के तो अपनी पॉलिसीज बनाते थे, उन्होंने भी आपको एक साइड पे कर दिया। यूएई था, यूएई भी अब उसने कहा है जी कि बस काफी हो गया, अब आप खुद अपना ध्यान खुद रखें। चीन था, चीन से भी कोई आपको खास सपोर्ट मिल नहीं रही, चीन का भी एक तल्ख तजुर्बा हुआ है सीपैक के हवाले से। बाकी अमेरिका तो आप अभी सैंक्शंस, अभी ये एक दिन पहले सैंक्शंस लगाई हैं उसने, अमेरिका भी आपको घास नहीं डाल रहा। इंडिया जो है वो आप उसको वैसे ही अपना दुश्मन समझते हैं, अफगानिस्तान को भी आप दुश्मन समझते हैं, ईरान को भी आप दुश्मन समझते हैं, बांग्लादेश को भी आप दुश्मन समझते हैं। देखें ना आप तो हर एक को दुश्मन समझते हैं, आपका तो पता नहीं दोस्त कौन है इस वक्त। यानी वो हमारा जो एक आईन है उसमें लिखा है जी कि आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन दोस्त ममालिक के बारे में आप बात नहीं कर सकते। तो यार पहले दोस्त ममालिक को डिफाइन तो कर लो कि रह कौन सा गया दोस्त मुल्क। तो वो ही कोई नहीं हमें पता कि हमारा दोस्त मुल्क कौन सा है इस वक्त। तो बाकी बात ये है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में सिर्फ जो चीज़ मैटर करती है ना, वो नेशनल इंटरेस्ट्स मैटर करते हैं। तो अब पाकिस्तान के साथ क्या नेशनल इंटरेस्ट रह गया है किसी का? सब ने आजमा के देख लिया है, सारे पीछे हट गए हैं, कोई आता ही नहीं है यहाँ पे, किसी को जरूरत ही नहीं है। लोगों के काम हो रहे हैं वैसे ही हो रहे हैं, इसके बगैर ही हो रहे हैं। पाकिस्तान को इंटेग्रेट कर लें इंटरनेशनल एक कमिटी ऑफ नेशंस में, इसको साथ लेके चलें, इनको समझाएं। बड़ा समझाया लोगों ने, यहाँ के लोगों ने समझाया, हमारे जो ताकतवर हलके हैं उनको समझाया, समझ नहीं आई उनको। वो अभी भी आज भी वहीं खड़े हुए हैं जहाँ पहले थे, उनको समझ नहीं आई। सर ये तो वो $7 बिलियन लेने के चक्कर में अमेरिका से इन्होंने सारी शर्तें या जो कंडीशंस थी सब मान ली, तो उसमें तो ये कंडीशन भी है कि आप सीपैक जो है उस पर मजीद काम नहीं आगे बढ़ेगा, उस पर कुछ नहीं हो सकेगा, तो ये वो भी मान गए, तो अब ये चाइना को क्या जवाब देंगे? हाँ तो अब इनके पास तो कुछ भी नहीं है ना, इनके पास तो किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो अब बात ये है कि ये बिल्कुल इस वक्त
انٹرنیشنلی آئسولیٹ ہو چکے ہیں مکمل طور پہ. اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ کبھی چین کی طرف چلے گئے, کبھی امریکہ کی طرف چلے گئے, کبھی روس کی طرف بھی کوشش کی جانے کی, لیکن اب یہ ہے کہ اب سب نے جو ہے نا وہ آنکھیں پھیر لی ہیں پہلی بات. تو اس وقت جو ہے وہ ان کو ضرورت ہے $7 ارب کی, اور وہ $7 ارب حاصل کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جانے کو تیار ہیں. تو بات وہی ہے کہ پیسے آ جائیں تو پھر چلاتے ہیں ملک کو جتنے دن چلتا ہے. کتنے دن سر, $7 ارب یا $7 بلین کتنے دن ان کو چلا پائے گا؟ $7 ارب تو جو ہے وہ تو اڑ جائے گا سارا. انہوں نے جو مثال کے طور پہ انٹرسٹ پیمنٹس کرنی ہے انہوں نے, پھر ڈیفنس ایکسپینڈیچر ہے یہاں پہ, پھر سبسڈیز ہیں, پھر اس کے علاوہ آپ نے جو باہر سے چیزیں امپورٹ کرنی ہے, امپورٹ بل ہے بہت بڑا, تو وہ تو اڑ جائے گا سارا. تو وہ آپ کیا کریں گے اس کے بعد, کیا کریں گے آپ؟ یعنی کوئی $14 ارب تو ویسے آپ نے پیمنٹس کرنی ہے اس فائنینشیل ایئر میں, تو وہ کہاں سے کریں گے آپ؟ تو کمرشل لونز بھی لیے ہیں ابھی انہوں نے, $2 ارب کا جو فائنینشیل گیپ تھا اس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے, ابھی وہی آپ بتا رہی تھی, انہوں نے کمرشل لونز لیے ہیں وہ ہائی انٹرسٹ ریٹ کے اوپر 11% سر, 11% آپ دیکھ لینا, 11% جو ہے. اور یہ جو آئی ایم ایف وغیرہ دیتے ہیں یہ تو یہی کوئی 0.5%, 1%, 1.5%, اس سے زیادہ نہیں ہوتا, 11% پہ انہوں نے لیا ہے. تو اب 11% جو ہے وہ آپ واپس کیسے کریں گے, آپ کہاں سے کریں گے آپ؟ تو یہ سارے تو ایشوز ہیں اس وقت ہمارے, لیکن ہم پھر وہیں پہ اڑے ہوئے ہیں جی کہ ہمیں کشمیر چاہیے. تو لے کیوں نہیں لیتے, اتنے دنوں سے نعرے لگا رہے ہیں کشمیر چاہیے, تو لے لو جا کے, مطلب یہ صرف سٹیٹمنٹ دے کے بیٹھ جاتے ہیں. لے لیں جا کے, لے لیں, بٹ رہا ہے کشمیر, بٹ رہا ہے نا, یہ کہیں لے لیں جا کے, ہاں لے لیں, تاکہ یہ مسئلہ تو ختم ہو نا, پھر کسی اور مسئلے پہ توجہ مرکوز کریں, پہلے یہ مسئلہ حل کر لیں تو پھر اس طرف بھی دوسری طرف بھی چلے جائیں گے پھر. کیونکہ انہوں نے اگر کشمیر کا ایشو سالو کر بھی لیا پھر بھی بھارت کے ساتھ یہ کوئی اور چیز نکال لیں گے, کیونکہ ہم نے تو ان سے لڑتے ہی رہنے کا سوچ رکھا ہے نا. نہیں نہیں, یہ تو دیکھیں جی, وہ جنرل کیانی نہیں تھا, اشفاق پرویز کیانی, اس نے باقاعدہ آن ریکارڈ کہا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ حل بھی ہو جائے تو ہمارے بھارت سے تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے, کیونکہ ہماری آئیڈیالوجی کچھ اور ہے, ان کی کچھ اور ہے. یہ جنرل کیانی نے کہا تھا. تو جب آپ کی سوچ یہ ہو کہ آپ نے تعلقات اچھے نہیں کرنے, آپ یہ اگر انڈیا کہتا ہے چلو یار کشمیر لے لو, آپ کشمیر آپ لے لیتے ہیں, پھر آپ کہیں گے یار بات یہ ہے کہ وہ جو ہے نا حیدرآباد شہر جو ہے نا, حیدرآباد ادھر بھی مسلمانوں کی اکثریت ہے, کچھ جوناگڑھ میں بھی کافی ہیں, یا فلاں جگہ بھی کافی ہیں, بہار میں بھی ہیں بڑے, یار ادھر بھی وہ بھی آزاد کرو جی, پھر یہ اس طرف جائیں گے, یہ پورے ہندوستان کو آزاد کروانے کے چکر میں پڑ جائیں گے پھر. مطلب یہ کہ وہ ایک ٹینشن جاری رکھنی ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ اب ہر چیز بڑی ویئرڈ ہو گئی ہے, ابسرڈ ہو گئی ہے. اب تو مسئلہ ان چیزوں کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کو کیسے بچانا ہے, یہ فیلڈ اسٹیٹ کو بچانا ہے, کیسے بچانا ہے, اب یہ ایشو ہے اس وقت. سر فیلڈ اسٹیٹ اور کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ قرضہ واپس کرنے کے لیے مزید قرضہ لے رہے ہوں, آپ کوئی پروڈکشن ہو ہی نہیں رہا آپ کیا, تو پھر اس کو فیلڈ اسٹیٹ نہیں کہیں گے کیا؟ فیلڈ اسٹیٹ یہی ہوتی ہے نا, فیلڈ اسٹیٹ یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنی جو لائبلٹیز ہیں ان کو آپ پورا نہیں کر پاتے, آپ ملک کے اندر سیکیورٹی سچویشن کو بہتر نہیں بنا سکتے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے, آپ کی جو منتخب ادارے ہیں وہ ڈس فنکشنل ہو جاتے ہیں, ڈیسیژن میکنگ بکھر جاتی ہے بالکل, کوئی پالیسی نہیں رہتی ملک کی. تو یہ حالات ہوتے ہیں ایک فیلڈ اسٹیٹ میں. تو یہ سارے تو اس وقت بدرجہ اتم موجود ہیں یہاں پہ, اور کیا ہوتی ہے فیلڈ اسٹیٹ؟ بالکل ایسے ہی. لیکن سر نہ جانے ہم مانیں گے کب اس بات کو, ہم مان نہیں رہے ہیں اور ہم اسی پہ اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں جی ہمارا بڑی مضبوطی کے ساتھ ہم ملک کو چلا رہے ہیں. بہت شکریہ کہ آج آپ نے جوائن کیا, تھینک یو سو مچ, اور جلدی ہم پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے. بہت شکریہ, تھینک یو, تھینک یو.